हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। आज के वीडियो में हम भूमध्य सागर के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक बहुत ही बड़ा सागर है, जिसे रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह सागर आपको यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मिलेगा, और भूमध्य सागर के पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है। भूमध्य सागर पृथ्वी के सबसे बड़े सागरों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूमध्य सागर क्षेत्रफल में भारत के 3/4 हिस्से के बराबर है। पश्चिम की तरफ यह सागर एक बेहद ही सक्रिय खाड़ी से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, जिसे जिब्राल्टर की खाड़ी कहते हैं। जिब्राल्टर की खाड़ी बस 14 किलोमीटर चौड़ी है और यह स्पेन के एक दक्षिण बिंदु से शुरू होती है। जिब्राल्टर की खाड़ी को छोड़कर यह सागर लगभग सभी तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप है और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है और पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है। और दोस्तों, उत्तर पूर्व की तरफ भूमध्य सागर पानी के छोटे रास्तों द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि दक्षिण पूर्व में यह स्वेज नहर के जरिए लाल सागर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य सागर को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिमी भूमध्य सागर। और दोस्तों, क्या आपको पता है भूमध्य सागर की तटरेखा 21 देशों से लगती है। इस सागर की औसत गहराई लगभग 1500 मीटर के करीब है और इसके सबसे ज्यादा गहराई अब तक 5270 मीटर तक मापी जा चुकी है। और दोस्तों, अगर पानी की मात्रा के बात करें तो एक अनुमान के अनुसार इस सागर में 37,50,000 क्यूबिक किलोमीटर पानी है, और सागर की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 800 किलोमीटर है। भूमध्य सागर या रूम सागर से जुड़ी सभी तटरेखाओं की लंबाई 46,000 किलोमीटर तक बैठती है। और दोस्तों, भूमध्य सागर के पानी का तापमान काफी बदलता रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। भूमध्य सागर के क्षेत्र का जलवायु गर्म होता है और सर्दी में यहाँ बारिश होती रहती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के वजह से सर्दी के अंत तक भूमध्य सागर के जल स्तर में 3 से 61 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।